देखिए आज अपन बात करेंगे, ये आपका इंडिया का मैप है, ठीक है। ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर बात कर रहा हूँ बिहार, ठीक है। बिहार वाले, बिहार जो एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ था, जो हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन यहाँ पे कई सालों तक रहे और यहाँ पे दो यूनिवर्सिटी बहुत फेमस थी, एक तो नालंदा यूनिवर्सिटी थी, दूसरी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी। नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किनने तोड़ी थी, बख्तियार खिलजी ने तोड़ी थी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, स्लेव था, ठीक है, उसका क्या था, गुलाम था, जिसने नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को जो बिहार के अंदर है वो तोड़ी थी। अब इसके बारे में और बता सकता हूँ मैं, हर्षवर्धन कौन था, पल्लव वंश के राजा धर्मपाल ने क्या करी थी, ये नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जो बिहार के अंदर थी वो बनाई थी। तो नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किनने बनवाई थी, धर्मपाल ने बनवाई थी। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में कम से कम 1,000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ते थे उस जमाने में, और उसमें क्या होता था, एंट्रेंस एग्जाम भी हुआ करती थी, जैसे अभी जो होती है, उस जमाने में वहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम भी हुआ करती थी, ठीक है। और यहाँ पे बौद्ध धर्म का भी बहुत अधिक प्रचार हुआ है, ठीक है। और पल्लव वंश के राजा धर्मपाल ने बनवाई है। यहाँ दाखी के लिए प्रवेश परीक्षा होती थी, ठीक है। और पुलाकेसिन टू ने हर्षवर्धन को हराया, ठीक है। पुलाकेसिन टू को किनने हराया था, हर्षवर्धन ने हराया था। यहाँ पे जब ये हर्षवर्धन जो थे, जो बिहार में थे, जब ये बिहार से इधर साउथ की तरफ आ रहे थे, तो इनको पुलाकेसिन टू जो एक शासक था वो बीच में मिला, तो ये क्या करा, हर्षवर्धन ने पुलाकेसिन टू को क्या करा, हराया। हराने के बाद उन्होंने कौन सा टाइटल लिया, उन्होंने अपना टाइटल लिया, रविकृति इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। और उन्होंने अपना ये टाइटल लिया है आहुल इंस्क्रिप्शन के अंदर, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब पुलाकेसिन टू को नरसिम्हा वर्मन वन ने हराया था, पुलाकेसिन टू को किनने हराया था, नरसिम्हा वर्मन वन वन ने हराया था, ठीक है। और इसके बाद अपन ये उड़ीसा के बाद, अब अपन ये बिहार की बात कर ली, बिहार के बाद अब उड़ीसा की बात करते हैं, ठीक है। उड़ीसा में आपके बहुत सारे टेम्पल हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, उसके बाद क्या है, जो एलाइट टर्टल है वो मास नेस्टिंग करती है, मतलब टर्टल क्या करती है, यहाँ पे मास नेस्टिंग करती है। इसके साथ में यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी हैं आपके, जैसे लोकतक लेक है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिंगराज भुवनेश्वर टेम्पल है जगन्नाथ मंदिर के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे सिमली टाइगर रिजर्व है, उड़ीसा के अंदर कौन सा टाइगर रिजर्व है, सिमली टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। इसके बाद अपन आते हैं आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में क्या है, लोनार लेक है, ठीक है, जो क्रेटर लेक है, ठीक है। क्रेटर लेक मतलब क्या होता है, जब बादल, जब बिजली, जब जब टकराते हैं, टकराने के बाद जो धरती पे गिरने के बाद क्या होता है, वो वहाँ पे एक शेप बना देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, लोनार लेक। तो महाराष्ट्र में कौन सी लेक है आपकी, लोनार लेक है। राजस्थान में कौन से, सॉल्ट वाटर लेक मतलब खारे पानी की लेक है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में आपकी कौन सी लेक है, मीठे पानी की लेक है, ठीक है। और सेफ्रॉन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, जम्मू कश्मीर के अंदर, सेफ्रॉन मतलब केसर। और वर्ल्ड वाइड मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसर कहाँ पाया जाता है, ईरान के अंदर। और ऐसे जो सेफ्रॉन है वो कहाँ पाया जाएगा, आपका जम्मू कश्मीर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व अभी 21 यूनेस्को हेरिटेज ने अपने अंदर लिया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या करा, इसको 21 बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है, मध्य प्रदेश का पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। इसके बाद गुजरात का गिर टाइगर रिजर्व, ये काय के लिए फेमस है, एशियाटिक लायन, यहाँ पे जो लायन मिलते हैं वो क्या कैसे होते हैं, एशियाटिक लायन, सबसे ज़्यादा एशियाटिक लायन पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका केरल, केरल को क्या कहा जाता है, मसालों का राज्य कहा जाता है। केरल जो सबसे नीचे है, साउथ में सबसे नीचे है, उसमें इस केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। और केरल में मोनोसाइट सेंट पाई जाती है, ठीक है, जो थोरियम बनाया जाता है, ठीक है, जो एटम बम्स के अंदर यूज़ किया जाता है थोरियम, वो भी कहाँ पाया जाता है, केरल के अंदर पाया जाता है, केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना इंडिया है और ये आपको सारी स्टेट्स बताई गई, ठीक है। ये आपका बिहार, ये आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अब ये वेस्ट बंगाल में क्या होता है, वेस्ट बंगाल जो है यहाँ पे क्या होता है, सुंदरबन डेल्टा फॉर्मेशन होता है। सुंदरबन डेल्टा मतलब ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट डेल्टा है, जहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। मैनग्रोव मतलब जो धरती के अंदर धसे हुए रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। और वो कहाँ पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ बहुत सारी नदियाँ मिलकर क्या करा जाती हैं, फॉरेस्ट
फॉर्मेशन का आती हैं, बहुत सारी नदियाँ क्या बनाती हैं यहाँ पे आके डेल्टा फॉर्मेशन कहती हैं, ठीक है। इसमें गंगा एक प्रमुख नदियाँ हैं। अब कुछ ऐसी नदियाँ रहती हैं जो क्या होती हैं नॉर्थ से लेकर इधर फ्लो होती हैं, जैसे झेलम, चेनाब, राबी, व्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, राबी, व्यास, सतलज ये क्या होंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ फ्लो होती हैं, ये कुछ नदियाँ हैं। और कुछ नदियों का पानी पाकिस्तान को दे दिया गया है और कुछ का पानी इंडिया लिया गया है, इंडिया ने लिया गया। तो झेलम चेनाब का पानी पाकिस्तान के पास है, राबी व्यास सतलज का पानी इंडिया के पास है, ठीक है। ये आपकी कुछ नदियाँ हैं। और इसके बाद आपका देखा होगा टेम्परेट ग्रासलैंड, यहाँ पे क्या होता है जम्मू कश्मीर, ये जो आपका ये देखा होगा ये जो ऐसे सीधी लाइन जाती है इसको क्या कहा जाता है कर्क रेखा। कर्क रेखा ये कहाँ से होके जाती है, ये आपकी मध्य प्रदेश से होके जाती है। और मध्य प्रदेश में के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है इसको नॉर्थ कहते हैं। नॉर्थ क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है काली मिट्टी अधिक मात्रा में पाई जाती है। और काली मिट्टी का एक क्या के लिए अच्छी होती है, खेती के लिए अच्छी होती है, और यहाँ पे भले ही बारिश कम होती है लेकिन ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे ग्रासलैंड बहुत अच्छे अच्छे पाए जाते हैं जो खेतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ पे आपके हिमालय का पर्वत है, नेपाल की बाउंड्री से लगा हुआ हिमालय का पर्वत है। जैसे बादलों का पानी इससे टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगी इस तरफ जो बारिश होती है, इधर जो बारिश होगी इसको क्या कहा जाएगा ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे बारिश हुआ करती है, क्योंकि पानी क्या होगा इधर हिमालय से टकरा के इधर बारिश करेगा, उसको क्या कहा जाएगा ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या होता है गेहूं की फसल वगैरह जो भी फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए जो ऊपर वाला नॉर्थ वाले हिस्से मतलब ये लाइन के जो ऊपर वाला हिस्सा है जैसे आपका हरियाणा है, दिल्ली है, बिहार है, ठीक है, जम्मू कश्मीर है, राजस्थान है, ये यहाँ ये एरिया क्या होता है खेतियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल क्या होती है, ब्लैक सॉइल आपकी पोरस होती है, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाई जाती है और वो खेतों के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और नीचे वाला जो एरिया है ये क्या है साउथ वाला एरिया है, ठीक है। और ठीक है,